शहर के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि स्मार्ट सिटी का ख्वाब अब आहिस्ता आहिस्ता करके ही सही लेकिन शर्मंदे ताबीर होना शुरू हो गया है। तरक्याती मंसूबे पूरे हो न हो लेकिन शहर के अंदर अब स्मार्ट गाड़ियां चलने का सिलसिला शुरू होगा और इस सिलसिले में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने को हरी झंडी बहुत जल्द मिल सकती है। 100 ई बसेस इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो श्रीनगर पहुंच चुकी है और SACL के मुताबिक ट्रायल रन जो है आने वाले 2 दिनों के अंदर अंदर शुरू किया जाएगा। पहली तस्वीर श्रीनगर इलेक्ट्रिक बस की आपके टीवी चैनल पर है और यह माना जा रहा कि तमाम मैंडेटरी प्रोसेस जो है वो इस सिलसिले में मुकम्मल कर दिया गया है। 15 गाड़ियां 15 दिन के अंदर अंदर रोडों पर चलेंगी श्रीनगर के शहर के अंदर। ये खूबसूरत बड़ी बसें जो अभी तक आप दिल्ली मुंबई और बेंगलुरु के अंदर देख रहे थे अब श्रीनगर के अंदर चलना शुरू होंगी और श्रीनगर के अंदर ये 100 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी और इससे आवाम को राहत मिलेगी। इब्तदाई खबरों के मुताबिक हाईटेक इलेक्ट्रिक बसें ये हैं और ये जो 100 इलेक्ट्रिक बसें हैं जिन्हें मरहलावार तरीके से श्रीनगर शहर के अंदर उतारा जाएगा, श्रीनगर से गांव देहात तक लिया जाएगा, इसको बाज़ाब्ता तौर पर प्लान के तहत मुतारफ कराया गया है। इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग पॉइंट से लेकर बोर्डिंग फैसिलिटी से लेकर दीगर मामलात पाए तकमील तक पहुंचाए गए हैं और आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर यानी 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर ट्रायल रन मुकम्मल करने के बाद आने वाले 15 दिनों के अंदर अंदर ये गाड़ियां जो है वो आपके लिए वक्फ की जाएंगी। चीफ इंजीनियर SACL के मुताबिक ट्रायल रन पहले चंद गाड़ियों का किया जाएगा 2-3 दिनों के अंदर अंदर और मैंडेटरी प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और दीगर चीजें लेने के फौरन बाद गाड़ियों को मैदान में उतारा जाएगा ताकि सार्फीन और सफर करने वाले लोगों को राहत मिल सके। इससे पहले आपको याद होगा कि तकरीबन 100 ई बसेस प्रोक्योर की गई थी श्रीनगर के अंदर और ये गाड़ियां जो है वो 1 अक्टूबर 2 नवंबर तक जो है वो गाड़ियां रवान दवान रहेंगी शहर के अंदर। अब इस गाड़ी की खसूसियत क्या है, एक GPRS सिस्टम के साथ ये जुड़ी हुई है, फिर CCTV कैमरा इसके अंदर लगा हुआ है और जदीद आलात के साथ ये गाड़ी जो है वो लैस कर दी गई है। अब 2 चीजें, जिन लोगों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर सफर किया हो वहां पर भी इलेक्ट्रिक बस चलती है या दिल्ली के अंदर मेट्रो के बिना जो लोग सफर कर रहे हैं या दीगर जगहों पर सफर कर रहे हैं तो ये कितनी कंफर्टेबल गाड़ी है इसका अंदाजा वो लोग लगा चुके हैं जिन्होंने इसमें सफर किया है और अब यही सफर श्रीनगर के अंदर होगा और ये गाड़ियां आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर आपकी राहत आपकी रसानी के लिए रखी जाएंगी और शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इन गाड़ियों को दौड़ाने का मंसूबा श्रीनगर के अंदर इंतजामिया का है। सर ये बताइए कि देखिए एक तो ये है कि आपने खुद ही कहा कि हमने 100 बसेस श्रीनगर शहर के लिए लाई हैं और 100 बसेस जम्मू शहर के लिए लाई हैं। ये इसको रन करेगा स्मार्ट सिटी जहां भी और जम्मू भी स्मार्ट सिटी रन करेगा। ये बसेस स्टेट-ऑफ-द-आर्ट बसेस हैं, इसमें देखिए इसमें काफी फीचर्स हैं। एक तो ये है कि इसमें ऑल वेदर बसेस हैं, ये इसमें समर के लिए एयर कंडीशन बसेस हैं, विंटर में ये हीटिंग सिस्टम्स में लगा है, ये यूनिवर्सली एक्सेसिबल हैं, ये बच्चों के लिए, औरतों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उनको बड़ी आसानी से बस पे चढ़ के और बस पे डिबोर्ड कर सकते हैं। इसमें CCTV कैमराज लगे हैं फॉर वीमेन्स सेफ्टी और औरतों के लिए अलग सीट्स रिजर्व्ड हैं और इसमें जो हमने एक वो यूनिवर्सल मोबिलिटी कार्ड का भी ऑप्शन रखा है कि आपके पास अगर कार्ड होगा तो अगर आप कार्ड स्वाइप करेंगे तो उसमें आपका डिस्काउंट आपको मिलेगा। आपका कैश पेमेंट का भी सुविधा है इसमें। बेसिकली हमारे जो टिकटिंग इसमें एजेंट है उसको चलो मोबिलिटी कहते हैं, जो बसेस है बसेस टाटाज ने प्रोवाइड की। देखिए आपने हमने पहली बार क्या किया, पहला मॉडल है कि हमने बसेस को प्रोक्योर नहीं किया, कि बसेस का प्रोक्योर करने का थोड़ा सा मॉडल यहाँ पे ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। हमारे पास काफ़ी एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, हमको दोहराएंगे नहीं। तो इसमें हमने सर्विसेज प्रोक्योर की हैं, तो टाटास हमें बसेस वो खुद प्रोक्योर करेंगे, वो सिर्फ बसेस चलाएंगे, तो हम उनको मिनिमम गारंटीड माइलेज पर दिन का दे देंगे जिसकी रेट पर किलोमीटर वो एक बिडिंग प्रोसेस के थ्रू डिटरमाइन हुई है। हाँ, क्योंकि इसमें एक ट्रांसपेरेंट बिडिंग हुई, इसमें अल्टीमेटली टाटास ने बिकॉज उन्होंने कसब से कम कोट किया इसलिए उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, इसलिए ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमने किया है। तो इसमें जो फेयर बॉक्स कलेक्शन है, जिस जो पैसा वहां से आएगा जो थ्रू टिकटिंग आएगा तो वो हमारे हमारे खाते में आएगा। और इसके फीचर्स क्या है इस पे, देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं, दीज आर नॉट दी नॉर्मल डीजल ड्रिवन बसेस। इनके लिए चार्जिंग स्टेशन सामने ऑलरेडी, एक तो मेन जो डिपो है पांता चौक में वहाँ डेवलप हो रहा है और उसके साथ साथ यहाँ शहर में भी
हम अपॉर्चुनिटी चार्जिंग स्टेशन भी इंस्टॉल करेंगे, बिकॉज नॉर्मली एक बस अराउंड 200 किलोमीटर्स एक चार्ज पे चलती है, लेकिन इसको बीच में टॉप अप करना पड़ता है, तो ताकि है ना जैसे हम मोबाइल को टॉप अप करें, तो इसलिए हमने अपॉर्चुनिटी चार्जिंग स्टेशन भी आइडेंटिफाई किए हैं। प्लस इसमें जो है इसमें वाईफाई का निज़ाम है, जैसे मैंने कहा सीसीटीवी का निज़ाम है, जो और की सेफ्टी का मेजर कंसर्न जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है उसका हमने खास ख्याल रखा है। और ये 9 मीटर की बसेज है, 12 मीटर की बसेज है, 9 मीटर हमने क्या किया, 9 मीटर हमने रिजर्व रखी है शहर खास के लिए, बिकॉज वहाँ पे कुछ एरियाज में नैरो लेन्स बाई लेन्स है, और 12 मीटर की बसेस बोथ इंटरसिटी और इंटरसिटी का भी एक इसमें एक ऑप्शन है, हम इंटरसिटी भी कुछ बसेज रन करेंगे, मोस्टली इंटरसिटी बसेज हैं, मोस्टली इस समय शहर में चलेंगी, लेकिन जो हमारे दो एक्सेस हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सेस वहाँ पे भी चलेंगी। और ये बहुत ही खूबसूरत एस्थेटिकली वेरी वेरी गुड लुकिंग बसेस, शायद आपने बस देखी होगी, बड़ा केयरफुली डिज़ाइन, केयरफुली कलर केयरफुली सेलेक्टेड, और उसमें जो मैसेजेस वगैरह हैं, तो ये और ये जो लेटेस्ट है मतलब इन टर्म्स ऑफ द पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स, इट इज द लेटेस्ट वर्जन दैट वी हैव गॉट। चलिए जनाब, आप सुन रहे थे कि इंतजामिया किस तरीके से इन गाड़ियों को उतारना चाहती है, और एक अच्छी राहत इसमें यह है कि जिस्मानी तौर नाखेज अफराद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे क्योंकि काफी ऊंची रहती थी और उनके लिए चढ़ना उतरना मुश्किल होता था, उनके लिए काफी ज्यादा राहत भरी गाड़ी है क्योंकि इसमें ऊपर चढ़ना बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें वो तमाम तर सहूलियतें दस्तियाब रहेंगी।